असलम मेरे बच्चे उधर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, हम लोग उधर इमरजेंसी में हमारे बच्चे आके मुझे बुलाया कि उधर पूरी दीवार गिर गई थी। हम उधर गए तो हमारे बच्चे सीरियस से छत गिर गई, कह रहे उधर बच्चे सीरियस, तीन बच्चे हम इधर लेके आए हैं और बाकी बच्चों का वो पता नहीं है, तीन सीरियस थे। ताकि आप लोगों को हमें ये इतला है कि हमारे बच्चे उधर आके क्लास चेक करें कि हमारे और भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, पूरे बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे इधर सीरियस है, आप लोग आके चेक करें। हम बड़ी मुश्किल से इधर आ गए हैं और बाकी बच्चे वो पता नहीं, हम ये तीनों इधर ला के आए हैं, बस इस तरह होमवर्क कर रहे थे, अचानक ऊपर से शक गिर गई। ठीक है उधर हुकूमत की मुश्किल है ना, हमारे बच्चे उधर गवर्नमेंट स्कूल है, आके गवर्नमेंट खुद चेक करे ना, क्लासेस चेक करे, जान मसला है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आए हैं, हमें क्या पता, हम स्कूल भेजा है, उधर पता नहीं चलता है, खुद आके चेक करे, पुराने क्लासेस होंगी शायद, इस तरह आगे चेक किया तो आप लोगों की बेहतरी होगी। रहीम, ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल सकवा की कहानी है। आज सुबह 10 बजे के करीब वहाँ पे जो हाल के अंदर ये छोटे बच्चे 10 क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे, उनके ऊपर पूरा मलबा जो है ऊपर से सरे के अलावा सारा इनके ऊपर गिरा है। तो ये महकमाना गफलत और गिलगित बल्तिस्तान में लाकानूनीत का एक मुंह बोलता सबूत है। सारी कम्युनिटी इस वक्त परेशान है, रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में लगी हुई हैं, कुछ बच्चे वहाँ भी रेस्क्यू वालों ने वहाँ इब्तदाई तबी इमदाद दे के फारिग किया, कुछ जो सख्त शदीद जख्मी थे वो लोगों ने अपनी मदद इधर हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। तो हम हुकूमत वक्त से और बिलखसूस महकमे एजुकेशन से ये मुतालबा करते हैं कि 11 साल से हमारे ये गर्ल्स मिडिल स्कूल हाई का दर्जा लेने के बावजूद इस पर एक बंदा या दो बंदों की रकावट की वजह से बिल्डिंग का काम नहीं हो रहा है, और पूरी कौम के साथ ये लम्हे फिक्र आज जो पेश आया ये बहुत सख्त लम्हा है। इस बाबत में एक हफ्ते पहले डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से भी मिला था, उसको बाकायदा दावत दी थी कि आकर देखें स्कूल का खस्ता हालत जो है ना, ये वाकया होना था। तो लिहाजा हम हुकूमत वक्त से और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर और दिगर जुम्मेदारान से अपील करते हैं कि इस तरह लोगों के बच्चों को न मारे, कम अज़ कम साल में एक दफ़ा तो बिल्डिंग की वो होनी चाहिए, रिनोवेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए इंजीनियर। अब ये सारे बच्चे अगर पूरी छत गिरती तो मिस के साथ ये सारे बच्चों ने मार रहा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ है और बहुत कुछ होने वाला है। लिहाजा मुक्तदर इदारे जो हैं और जुम्मेदारान जो हैं वो इस चीज़ को सीरियस ले लें। खुदा हाफिज़।